हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा है आप सब अच्छे से होंगे। तो भास्कुनाथ टेंपल विज़िट करने के बाद मैं अब पहुंचा हूं मैक्लोडगंज में, और ये है मैक्लोडगंज का मेन चौक। यहीं से भास्कुनाथ टेंपल जाने के लिए रास्ता निकलता है, और मैं यहां से जा रहा हूं तिब्बतन धर्मगुरु दलाई लामा का टेंपल देखने के लिए। ये जो सामने सड़क दिखाई दे रही है, ये जाएगी सीधा उसी तरफ। तो इस सड़क को टेंपल रोड भी कहते हैं। इस सड़क पर हमें पूरी मार्केट मिलेगी दोनों साइड। इसी रास्ते पर आगे चलकर हमें धर्मशाला स्काईवेज यानी रोपवेज भी मिलेगा, जो हम दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए मार्केट, बैंक भी है यहाँ पे। ये मेरी बाईं तरफ भी एक बुद्धिस्ट टेंपल है, जिसकी अपनी मान्यता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इस रोड पर आपको होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दूसरी खाने पीने की शॉप्स तो मिल ही जाएंगी, लेकिन शॉपिंग के लिए तो यहाँ बेशुमार शॉप्स हैं। और ये जो नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है, यही जा रहा है दलाई लामा टेंपल की तरफ। चलते हैं उस तरफ। दोनों तरफ मार्केट है। अब देखिए, हर तरह की दुकान मिलेगी आपको, जहाँ आप अपनी मनपसंद शॉपिंग कर सकते हैं। बारिश लगातार चल रही है, और इसी कारण काफ़ी शॉप्स बंद दिखाई दे रही हैं, और टूरिस्ट तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे। शॉप्स के अलावा इस पूरी रोड पर आपको छोटे छोटे स्टॉल्स भी दिखेंगे, जिनमें रखी कलरफुल आइटम्स आपको बरबसी अपनी ओर आकर्षित करेंगी। ये देखिए, लेकिन बारिश की वजह से काफ़ी स्टॉल्स और शॉप्स अभी बंद हैं, और बारिश के कारण ही टूरिस्ट यहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। इक्का दुक्का टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं धर्मशाला स्काईवेज के मैक्लोडगंज के स्टेशन पर। ये रोपवेज जो है वो धर्मशाला से मैक्लोडगंज और मैक्लोडगंज से वापस धर्मशाला के लिए है। तो जो केबल कार है, उसका जो एक साइड का फेयर है वो है 300 रुपये, और आने और जाने का जो फेयर है वो है 500 रुपये। इस रोपवेज द्वारा धर्मशाला से मैक्लोडगंज मात्र 5 से 7 मिनट में पहुंचा जा सकता है, तो काफी कन्वीनियंट हो गया है ये। ये सामने से जो केबल कार आ रही है, ये धर्मशाला की तरफ से आ रही है, और इस साइड से ये जो केबल कार है, ये जा रही है मैक्लोडगंज से धर्मशाला की तरफ। और ये देखिए, दोनों यहां बिल्कुल पास से गुजरते हुए और फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए। पहाड़ों और बादलों के ऊपर से गुजरती हुई केबल कार्स का ये जो खूबसूरत व्यू है, वो किसी को भी रोमांचित करने के लिए काफी है।
और यहाँ हम पहुँच गए हैं दलाई लामा टेम्पल पर। लेकिन यह हमारा बैड लक है कि मंदिर बंद है और पता चला है कि काफ़ी समय से बंद है ये कोरोना के कारण, इसलिए हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे। ऐसे ही बाहर से इसके दर्शन करके हमें वापस लौटना पड़ेगा। तो अंदर तो नहीं जा पाएंगे अब। यह मेन गेट जो एंट्री गेट है, यहीं से अंदर जाते हैं, लेकिन ये बंद है अभी। लगातार बारिश के बावजूद भी हम यहाँ पर पहुँचे, लेकिन अंदर नहीं जा पाएंगे। तो चलिए आपको बाहर का दृश्य दिखाते हैं इस मंदिर का, थोड़ा सा जितना दिखा पाएंगे। तो क्या किया जा सकता है, ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। ये है मंदिर की बाउंड्री और देखते हैं आसपास का ब्यूटीफुल व्यू। ये देखिए बादल और धुंध आपस में मिक्स होकर पहाड़ों के ऊपर मंडरा रहे हैं और एक खूबसूरत दृश्य बन रहा है। ये क्या बात है, वह दूर मैक्लोडगंज। और ये देखिए कितनी पास से ये केबल कार गुजरते हुए, ये बिल्कुल मंदिर के पास जो दलाई लामा टेम्पल है उसके बिल्कुल पास का ये व्यू है। ये देखिए क्या शानदार व्यू लग रहा है, और केबल कार में बैठकर आसपास के व्यू का जो आनंद आता होगा वो तो समझने वाली बात है। तो अभी छोड़े जाते हैं आपको इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। आप आगे भी बने रहिए हमारे साथ हमारी आने वाली वीडियोस को एंजॉय करने के लिए। धन्यवाद।